राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। मेरा नाम अनिल शर्मा है, मैं सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का सेक्रेटरी हूँ। आज हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के अंदर जो घोर वित्तीय अनियमितताएँ हो रही हैं, सबसे बड़ी अनियमितता ये है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ के, उनका GPF काटा जा रहा है लेकिन उसका निवेश कहीं नहीं किया जा रहा। उनके ना जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास GPF की ना पासबुक है, उनको सिर्फ जो पासबुक दी गई है वो एक सेविंग्स बैंक अकाउंट की दी गई है, जो कि एक घोर अपराध है, क्योंकि जो प्रोविडेंट फंड है वो एम्प्लॉयज़ के परिवार के लिए होता है और जिस पे बहुत संगीन जो उनकी धाराएं हैं। तो हम इस बात पे वाइस चांसलर आगरा से पूछना चाहते हैं कि ये जो अनियमितताएं चल रही हैं उस पर उनका ध्यान क्यों नहीं गया। जितने भी आगरा के अंदर आगरा यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर आते हैं वो अपना एक एजेंडा लेकर आते हैं, लेकिन जो अनियमितताएं फाइनेंस के संबंधित उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता। वाइस चांसलर साहब ने 100 करोड़ रुपए अभी जो अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी बन रही है उसमें दान किए, जो कि एक बहुत सरप्राइजिंग बात है कि आगरा यूनिवर्सिटी खुद डिग्रियाँ अभी तक नहीं दे पा रही है, उनके कोर्सेज नहीं चल रहे हैं, उनके जो हॉस्टल्स हैं वो बंद हो गए हैं, स्टूडेंट्स आ नहीं रहे हैं, फिर भी पैसों को ले जाके वो दूसरी जगह पर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी भ्रष्टाचार और अनियमितता ये है कि जो सिविल लाइन्स में जो ये कॉम्प्लेक्स था, जो कि यूनिवर्सिटी ने ललित कला एकेडमी की जो बिल्डिंग खड़ी कर दी है, वो पूरी टोटली इल्लीगल है। ना इस पर ADA से परमिशन ली गई है और ना ही TTZ से परमिशन ली गई है। और ये पैसा कहाँ से आया? ये पैसा जो स्टूडेंट्स का है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का था, जिसकी उससे फीस से लिया गया था, उनके एफिलिएशन फीस से, उसका उन कॉलेजेस और स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए था, वो डेवलपमेंट में नहीं हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे कोर्स बंद होने की कगार पर है, फंड नहीं है उसमें, बहुत सारे नए नए जो एक्शन लिए जा रहे हैं उसका हम विरोध करते हैं, हम उसका हाईलाइट करते हैं। और हमारे साथ श्री देवेंद्र कुमार त्रिपाठी हैं, जिन्होंने हमें GPF और बाकी सारी चीज़ों में बहुत सारी मदद की है, उनका भी आप वक्तव्य। देवेंद्र कुमार त्रिपाठी, किस संबंध कांग्रेस है? आगरा यूनिवर्सिटी के जो शिक्षक या शिक्षेत्र कर्मचारी हैं उनका GPF काटे जाने का प्राविधान है। वो GPF की धनराशि जो कर्मचारी होते हैं उनके आश्रितों की होती है, कर्मचारियों की नहीं होती, और उसमें प्राविधान ये है कि उस धनराशि का निवेश बुद्धिमत्तापूर्ण होना चाहिए, ऐसे संस्थानों में या ऐसे परियोजनाओं में होना चाहिए जहाँ पर उसको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। आगरा यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं कर रखा है, बल्कि कर्मचारियों का सेविंग फंड का अकाउंट खोल रखा है जिसमें इंटरेस्ट करीब कुल 3.5% मिल रही है, जबकि इसके संबंधित जो शासनादेश हैं बहुत पुराने शासनादेश हैं, राइट फ्रॉम 1926 टू 1985 एंड देयर आफ्टर, उसमें ये है कि एटलीस्ट 12% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, वो भी चक्रवृद्धि क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और उसकी जगह पर 3.5% इंटरेस्ट की जगह मिल रहा है, तो दैट इज़ गुड फॉर नथिंग। आप देखते हैं कि यूनिवर्सिटी की हालत जो है रोज बर रोज इट्स बीइंग वेरी बैड कंडीशन, व्हाट डू वांट टू से अबाउट इट? वो यूनिवर्सिटी की जो भी कंडीशन डिटेरियोरेट कर रही है वो इसलिए कर रही है कि जिनको पढ़ाना चाहिए, जिनको रिसर्च कराना चाहिए, वो न तो पढ़ाते हैं न रिसर्च कराते हैं, उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लेरिकल कामों में लगा दिया गया, और जिनको क्लेरिकल काम करना चाहिए वो जो है नेतागिरी में लगे हुए हैं, तो संस्थान चलेगा कैसे, यूनिवर्सिटी चलेगी कैसे? आगे आपको उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहिए? नहीं, हमारा उद्देश्य यह है कि यहाँ पर जो भी वाइस चांसलर आता है उसको जो सुधारात्मक कार्य करने चाहिए वो सुधारात्मक कार्य नहीं करके, बल्कि वो कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली बन करके वो उनकी तुष्टिकरण में लग जाता है,
छलावा ये यूनिवर्सिटी मेरी कच्छ में आती है, मैं वहाँ का पार्षद भी हूँ, वहाँ के कर्मचारियों ने मुझे वोट भी दिया है। ये छलावा जो पता लगा कर्मचारियों के हित का जो उसमें सर्वनाश कर दे रहे, जो फंड पैसा होता है जो बाद में काम आता है उसके साथ जो जिस तरह की हरकत की गई है वो बहुत निंदनीय है। दूसरी बात, मैं राजनीतिक तौर पर एक बात कहना चाहूँगा कि जहाँ दो प्रोफेसर हैं आगरा यूनिवर्सिटी से, जो एक तो वहीं रहते हैं एक थोड़ा दूर रहते हैं, वो जो एक आगरा के हैं, तो उन दोनों प्रोफेसर को क्या हुआ कि आगरा की यूनिवर्सिटी गर्त में जा रही है, वो देख भी नहीं रहे किसी हालत में भी। और इसको जबकि दोनों प्रोफेसर कभी भी इतना रोक लगा सकते हैं भ्रष्टाचार के ऊपर, मेरा अनुरोध उनसे भी है। और इस पूरे प्रकरण की CBI जांच होनी चाहिए और कर्मचारियों का हित होना चाहिए। दूसरी बात, ये बिल्डिंगों में जो इकट्ठा कर किया हुआ पैसा, 100 करोड़ आगरा से अलीगढ़ ट्रांसफ़र कर दिया, 100 करोड़ ललितगराम कर दिया, लेकिन पढ़ाई लिखाई के लिए कोई ध्यान नहीं है, बच्चों की मार्कशीट नहीं मिल रही है, इस भ्रष्टाचार की पूरी तरह से मैं निंदा करता हूँ। साथ ही मांग करता हूँ कि इसकी जाँच होनी चाहिए।